तो मूवी की स्टार्टिंग होती है पास्ट को दिखाते हुए, जहां हम एक रॉयल फैमिली को देखते हैं। उनके स्टैंडर्ड्स बहुत ज्यादा हाई होते हैं। उसी फैमिली के एक लड़के को एक सर्वेंट से प्यार हो जाता है। वो उसे पसंद करने लगता है और उससे शादी करना चाहता था, लेकिन ये बात जब अपने पेरेंट्स से करता है और अपनी फैमिली को बताता है तो सब उसे बहुत बुरा भला कहते हैं और हंसने लग जाते हैं कि तुमने क्या पसंद किया है, तुम्हें नहीं पता कि हम तुम्हारी शादी भी रॉयल फैमिली में ही करेंगे। उस लड़के को बहुत बुरा लगता है अपनी फैमिली की वजह से वो सर्वेंट लड़की से शादी नहीं कर पाता और उन्हीं के प्रेशर में आके वो किसी और अमीर लड़की से शादी कर लेता है। सर्वेंट लड़की इस बात की वजह से काफी दुखी हो जाती है, वो बिल्कुल टूट चुकी होती है। वो सोच रही होती है कि अमीर लोग गरीबों में शादी क्यों नहीं करते, क्या हम इंसान नहीं होते। और इसी सोच में एक दिन वो सुसाइड कर लेती है, अपनी जान ले लेती है, क्योंकि वो इस चीज को भुला नहीं पा रही थी। दूसरी तरफ वो रॉयल फैमिली अपनी जिंदगी में खुश थी, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अब उस सर्वेंट लड़की की माँ को ये देख के काफी बुरा लग रहा होता है, वो अपनी बेटी की मौत का बदला लेना चाहती थी। वो एक विच होती है जिसको मैजिक करना आता था और वो किसी को भी कर्ज दे सकती थी। अब वो जाती है उस रॉयल कैसल के बाहर और बोलने लगती है कि मैं तुम लोगों को एक कर्ज देती हूँ, तुम लोगों की फैमिली में जो भी बेटी पैदा होगी वो पिक की तरह दिखेगी, उससे कोई शादी नहीं करेगा, सब उसको रिजेक्ट करेंगे और इसी तरह वो अपनी जिंदगी से तंग आ जाएगी। वो तब तक ठीक नहीं हो पाएगी जब तक कोई उसे एक्सेप्ट न कर ले, और ऐसा होना बहुत मुश्किल है। ये कर्ज दे के वो विच दुखी दिल के साथ वहां से चली जाती है। अब हम देखते हैं कि टाइम गुजरता जाता है, कई साल गुजर जाते हैं। उस रॉयल फैमिली में जनरेशन वाइज 5-6 बार बेटे ही होते हैं, और जाहिर है वो रॉयल फैमिली अपने बेटों के लिए ब्राइड्स बाहर से ही लाती थी, लेकिन अब की बार जो उनका बेटा होता है उसकी भी शादी हो जाती है और सब लोग यही एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि इनका भी बेटा ही होगा, लेकिन उनकी बेटी हो जाती है और वो बिल्कुल वैसी होती है जैसे विच ने कर्ज दिया था। उसके कान पिक जैसे होते हैं और उसकी नाक भी। उसकी माँ ये देख के काफी डर जाती है, लेकिन उसका हस्बैंड उसे समझाता है कि हम जल्दी कुछ कर लेंगे। वो लोग उसका नाम पिनोलपी रखते हैं। बच्ची तो प्यारी होती है, लेकिन इस तरह से उसका फेस काफी वियर्ड लगता था। वो लोग ये तक ट्राई करते हैं कि हम अपनी बेटी की सर्जरी करवा लें ताकि इसका ये फेस ठीक हो सके, लेकिन डॉक्टर्स कहते हैं कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, यानी ये सर्जरी नहीं हो सकती। इसमें पिनोलपी की जान को काफी खतरा है, तो पिनोलपी के पेरेंट्स डिसहार्ट होके वहाँ से आ जाते हैं। ये बात आहिस्ता आहिस्ता फैलने लगती है और इवन न्यूज में भी ये बहुत बड़ी हेडलाइन बन जाती है कि एक पिक लड़की पैदा हुई है। सब लोगों को वही कर्ज याद आने लगता है जो कि विच ने रॉयल फैमिली को दिया होता है कि आज वो सच हो गया है। एक दिन पिनोलपी की मदर ने उसे उठाया होता है, तभी उनके घर में एक रिपोर्टर चुपके से आ जाता है। वो इनफैक्ट उस बच्ची की कुछ पिक्चर्स लेना चाहता था ताकि ये न्यूज में दे सके और सारे लोग इसे देख सके, जो कि पिनोलपी की मदर नहीं चाहती थी। वो उस रिपोर्टर की आंख को इंजर्ट कर देती है, जिससे डर कर वो रिपोर्टर भाग जाता है। अब पिनोलपी की मदर सोच में पड़ जाती है कि हमारे घर में कोई प्राइवेसी नहीं रही, हर वक्त मीडिया इस चक्कर में होता है कि किसी तरह से वो घर के अंदर आ जाए और मेरी बेटी की इस तरह की पिक्चर्स लेके वायरल करें। उसका बहुत दिल दुखता था, तो वो एक प्लान बनाती है और वो प्लान ये था कि वो सबको ये शो करेंगे कि उनकी बेटी पिनोलपी की डेथ हो चुकी है, जिसके बाद कोई भी उन्हें तंग नहीं करेगा। इसलिए वो एक फ्यूनरल करते हैं जिसमें वो रोते भी हैं ताकि सबको यही लगे कि उनकी बेटी की डेथ हो गई है। इसके बाद से पिनोलपी की मदर ने उसे घर में ही रखना शुरू कर दिया। वो उसे बहुत प्यार करती थी, वो उसे घर में ही पढ़ाती लिखाती, उसे हर चीज सिखाती। बेशक वो बाहर नहीं जाती थी, लेकिन घर में भी उसे हर तरह की फैसिलिटी दी जाती थी। अब वक्त गुजरता जाता है और पिनोलपी काफी बड़ी हो जाती है। अब वो 18 साल यानी 18 ईयर्स की हो चुकी थी। उसकी मदर उसे लेके काफी वरिड थी कि इसे शादी कौन करेगा, लेकिन इस बात का जिक्र वो अपनी बेटी से नहीं करती थी कि कहीं उस बेचारी का दिल न टूट जाए। अब अपनी बेटी की शादी के बारे में वो किसी मैरिज ब्यूरो से बात करती है, जो वहाँ पर उसके लिए अच्छे अच्छे प्रपोजल्स भेजती है, लेकिन बहुत ही दुख की बात कि जो भी लड़का उसे देखने आता था वो उसे डर जाता था और वहाँ से भाग जाता था। आज तक किसी भी लड़की ने उसे पसंद ही नहीं किया। इसी तरह से कई साल गुजरते गए और अब पिनोलपी 25 ईयर्स की थी। पिनोलपी की मदर हर आने वाले प्रपोजल से कहती कि बेशक तुम शादी ना करो, लेकिन प्लीज किसी को बाहर मत बताना कि हमारी बेटी जिंदा है या यहाँ रहती है। तो वो लोग भी एग्रीमेंट पर साइन कर देते, लेकिन इस बात की वजह से पिनोलपी की मदर काफी सैड रहने लगी थी कि अब उनकी बेटी का क्या होगा। अब एक दिन एक और लड़का पिनोलपी को देखने आता है, लेकिन वो काफी बदतमीज होता है। ना वो एग्रीमेंट पे साइन करता है और उन लोगों से कहता है कि मैं ये बात सबको बाहर बता ही रहूंगा। अब वो बुरा लड़का बाहर जाकर सबको बताने लगता है कि इस फैमिली में एक बिग गर्ल रहती है, और ये बात जाकर वो पुलिस को भी बताता है। पुलिस उसी लड़की को अरेस्ट कर लेती है।
कि तुम बहकी बहकी बातें कर रहे हो, हमारा टाइम वेस्ट नहीं करो। अब अगली सुबह होते ही जब वो लड़का बाहर आता है तो वो न्यूज़पेपर देखता है जिसमें उसके अगेंस्ट न्यूज छपी होती है कि ये लड़का फजूल में ही किसी बिग लड़की के बारे में बातें कर रहा है जो कि है ही नहीं। अब वो लड़का प्रिंटिंग प्रेस जाता है और वहाँ न्यूज़पेपर रिपोर्टर से कहता है कि तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुमने क्या न्यूज डाली है, तुम्हें लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, तुम अभी मेरे फादर को नहीं जानते, वो तुम्हारा बहुत बुरा हाल करेंगे। अब वो रिपोर्टर सिक्योरिटी को बुलाता है कि इसे यहाँ से बाहर निकालो। जब सिक्योरिटी उसे बाहर निकाल रही होती है तो वो कहता है कि मैं अपना बदला जरूर लूंगा। वहाँ पर एक और रिपोर्टर होता है जिसकी एक आंख कवर्ड होती है क्योंकि उसकी आंख नहीं होती। इनफैक्ट ये वही रिपोर्टर था जिसकी आंख पेनोल्पी की मदर ने इंजर्ड की थी। अब उस अमीर और बदतमीज लड़के के साथ मिल जाता है कि ये दोनों मिलकर उस बिग गर्ल को एक्सपोज करेंगे। अब वहाँ से वो एक आंख वाला रिपोर्टर एक कैसीनो जाता है जहाँ पर वो एक लड़के से मिलता है जिसका नाम मैक्स होता है। ये रिपोर्टर मैक्स से कहता है कि मुझे तुम्हारी जरूरत है, मुझे काम में तुम्हारी हेल्प चाहिए और इसके बदले में मैं तुम्हें पे भी करूंगा, तो मैक्स मान जाता है। अब मैक्स को ये सारी सिचुएशन बताई जाती है कि वहाँ पर लड़के उसे देखने जाते हैं ताकि कोई तो ऐसा हो जिसके साथ पेनोल्पी की मैरिज फिक्स हो सके, तुम भी इसी तरह उसके घर के अंदर जाना, लेकिन तुम्हारे कोर्ट में एक कैमरा फिक्स किया जाएगा, तुम चुपके से उसकी पिक्चर्स लेते रहना। इस बात के लिए मैक्स तैयार हो जाता है और वो दिन भी आ जाता है जब वो उसके घर जाने वाला था, उसने अपने कोर्ट में वो कैमरा सेट कर रखा था। जब उसके घर जाता है तो देखता है वहाँ पर और भी लड़के हैं जो कि उसे देखने आए थे, लेकिन जैसे ही पेनोल्पी वहाँ पर आती है तो सब लड़के भाग जाते हैं सिवाय मैक्स के, क्योंकि वो तो पर्पसली वहाँ पर आया था, वो क्यों भागता। लेकिन पेनोल्पी भी काफी सैड होके वहाँ से चली जाती है। वो अब अपने रूम में जाती है जहाँ पर एक मिरर लगा होता है, वो तो अपने रूम के बाहर देख सकती थी लेकिन उस मिरर के दूसरी तरफ वाला इंसान उसके रूम के अंदर नहीं देख सकता था। पेनोल्पी उस मिरर से देखती है कि मैक्स अभी भी नहीं गया। वो उसे कहती है कि तुम यहाँ पर क्यों हो, तो वो कहता है कि आप नहीं जानती मैं यहाँ पर क्यों आया था। इसी के साथ वो एक बुक को देखने लगता है तो पेनोल्पी उसे कहती है कि ये बुक तुम अपने साथ लेकर जा सकते हो। इसके बाद वो ऐसे शो करवाती है जैसे वो वहाँ से चली गई है, लेकिन मैक्स वहाँ पर फिर से आ जाता है। पेनोल्पी भी उसे देख कर कहती है कि तुम दोबारा क्यों नहीं जा रहे हो, तो मैक्स कहता है क्योंकि मैं नहीं जाना चाहता। तो पेनोल्पी को लगता है कि शायद ये मुझे पसंद करने लगा है और ये पहला लड़का है जिसको मैं दिखने में बुरी नहीं लगी, तो वो मैक्स से कहती है कि अच्छा ठीक है कल तुम दोबारा आ जाना। इसके बाद मैक्स चला जाता है। अब पेनोल्पी की फैमिली और उसकी मदर काफी खुश होती है कि फाइनली हमारी बेटी किसी लड़के को अच्छी लग गई, और वो सब कल के दिन के लिए काफी एक्साइटेड भी होते हैं। दूसरी तरफ मैक्स भी, क्योंकि उसने उसकी पिक्चर्स जो लेनी थी। अगले दिन मैक्स दोबारा से तैयार होता है और उसी जगह जाता है जहाँ पर मिरर के थ्रू उन दोनों में बातें हुई थी। वो लोग कुछ बातें करते हैं। अब मैक्स उसके लिए म्यूजिक प्ले करता है और वो मिरर के थ्रू ही उसके साथ चेस भी खेलता है। अब मैक्स उससे मिरर के थ्रू ही बातें करने लगता है। वो उससे पूछता है कि क्या कभी तुम मेरे साथ बाहर चलोगी, तो पेनोल्पी उसे कहती है कि नहीं ये तो पॉसिबल नहीं है, तो मैक्स कहता है कि अच्छा ठीक है तो मैं घर चलता हूँ और कल दोबारा आऊंगा। अब अगला दिन आ जाता है। मैक्स के कोर्ट में अभी भी वो कैमरा होता है। आज के दिन वो पेनोल्पी के लिए पियानो प्ले करने लगता है, वो जान के पियानो खल बजाने लगता है। तो अब की बार पेनोल्पी उसके सामने आ जाती है और उसे सिखाती है कि पियानो को इस तरह से बजाते हैं और उसे कैसे यूज करते हैं। यहाँ पे मैक्स पेनोल्पी की शक्ल ठीक से पहली बार देखता है। शुरू में तो वो भी काफी डर जाता है, काफी कंफ्यूज होता है कि इंसान है या पेग। जब उसकी नोज को हाथ लगाने के लिए अपना हाथ उठाता है तो उसके कोर्ट में छुपे कैमरा से पिक्चर क्लिक हो जाती है, लेकिन मैक्स अब ऐसा नहीं चाहता था क्योंकि पेनोल्पी उसे काफी इनोसेंट लग रही थी। पिक्चर तो गलती से क्लिक हुई थी, तो पिक्चर के क्लिक होते ही मैक्स के मुंह से निकलता है ओह ये क्या हो गया। पेनोल्पी को ये बात काफी बुरी लगती है, उसे ये लगता है कि शायद इसने मेरी नोज को देख के ऐसे कहा और इसे रिग्रेट हो रहा है कि यहाँ पर क्यों आया। पेनोल्पी वहाँ से चली जाती है। मैक्स को ये काफी बुरा लगता है, वो चाहता था कि वो पेनोल्पी को क्लियर करे लेकिन वो नहीं कर पाता क्योंकि पेनोल्पी अब काफी हर्ट हो चुकी थी। उसे लग रहा था कि मैक्स भी बाकी लड़कों जैसा है। वो उसे कहती है कि उसे उससे बात नहीं करनी। मैक्स यहाँ से चला जाता है। पेनोल्पी काफी टूटी हुई थी क्योंकि आज तक उसे किसी ने भी एक्सेप्ट नहीं किया था। उसकी मदर उसे समझाती है कि उसे एक चांस तो दो। जब मैक्स जा रहा होता है तो पेनोल्पी की मदर उसे रोकने जाती है, लेकिन जब वो देखती है कि वो रिपोर्टर से बातें कर रहा है तो उन्हें सब समझ आ जाता है कि मैक्स को रिपोर्टर नहीं भेजा था और वो यहाँ पे जरूर पिक्चर से क्लिक करने आया होगा। लेकिन मैक्स उन्हें बुलाता है और कहता है कि नहीं आज मेरा ये पर्पस नहीं था, मैं पेनोल्पी से नहीं डरा। वो कहता है कि अगर आपको मुझे फिर भी डाउट है तो मैं ये कैमरा तोड़ देता हूँ। रिपोर्टर उसे कैमरा मांगता रहता है लेकिन वो उसे कैमरा नहीं देता और तोड़ देता है। अब वो अंदर पेनोल्पी के पास जाता है और कहता है कि तुम मुझे गलत
समझ रही हो, एक बार मुझसे बात तो करके देखो। तो पिनॉल भी कहती है कि अच्छा अगर तुम सच बोल रहे हो तो क्या तुम मुझसे शादी करोगे, क्योंकि आज तक जो भी आया मुझसे डर कर भाग गया। तो मैक्स आगे से चुप हो जाता है और कहता है कि शादी वो तो मैं नहीं कर सकता क्योंकि मैं इसके लिए रेडी ही नहीं हूँ। तो पिनॉल भी कहती है कि कोई बात नहीं, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, मैं जानती हूँ। और इसी के साथ ही मैक्स वहाँ से चला जाता है। पिनॉल भी काफी सैड हो जाती है और रोने लगती है कि शायद मेरी फेट में यही है। वो अब डिसाइड करती है कि मैं और इस कैसल में नहीं रहूंगी, मैं भी बाहर जाऊंगी और एक नॉर्मल जिंदगी जीऊंगी जैसे बाकी लड़कियां जीती हैं, क्योंकि वो भी ठीक ही सोच रही होती है इसमें उस बेचारे की क्या गलती थी। पिनॉल भी अपने मुंह को कवर कर लेती है और बाहर निकल जाती है। बाहर जाते ही उसे सब कुछ बहुत अच्छा लगने लगता है क्योंकि ये सब उसने पहली बार देखा था। इस तरफ अगर पिनॉल भी खुश होती है तो दूसरी तरफ उसकी मदर काफी वरिड हो रही होती है कि उनकी बेटी कहाँ गई। तो पिनॉल भी उन्हें कॉल करके कहती है कि अब मैं कैसल में नहीं आऊंगी, मैंने इतने साल अंदर गुजार लिए, अब मुझे बाहर रहना है और मैं यहाँ पर खुश हूँ। वो एक होटल में रहने लगती है। दूसरी तरफ हम मैक्स को भी काफी उदास देख रहे होते हैं क्योंकि उसे बुरा लग रहा होता है कि उसने पिनॉल भी को मना किया, लेकिन वो दिल का बुरा नहीं होता। अब दूसरी तरफ इस बात का पता उसे एक आंख वाले रिपोर्टर को भी चल जाता है कि पिनॉल्पी ने अपना घर छोड़ दिया है और वो कहीं बाहर है। तो वो कहता है कि कितना अच्छा हो कि अगर हम पिनॉल्पी को ढूंढ लें। इसके लिए वो समीर लड़के के साथ मिलकर उसका स्केच बनवाता है क्योंकि उस समीर लड़के ने उसे अल्फलियेश में देखा होता है, लेकिन जब वो स्केच तैयार होता है तो वो बहुत ज्यादा अजीब और खौफनाक होता है। अब ये पिक्चर यानी स्केच न्यूज़पेपर में दे दिया जाता है उसकी मिसिंग रिपोर्ट के साथ, और साथ रिवॉर्ड भी रखा जाता है कि जो कोई इसे ढूंढेगा उसे काफी ज्यादा इनाम मिलेगा। ये बात बेचारे पिनॉल्पी को भी पता चल जाती है और जब वो देखती है कि उसका फेस इतना खतरनाक बनाया गया है तो वो काफी हर्ट होती है और वो कहती है कि वो अपनी रियलिटी सबके सामने लाएगी। वो जाकर अपनी एक पिक्चर क्लिक करवाती है। वो ये पिक्चर उसे एक आंख वाले रिपोर्टर को दे देती है। जब रिपोर्टर वो पिक्चर देखता है तो वो कहता है कि पिनॉल भी इतनी भी बुरी नहीं है, सिर्फ उसका नाक ही बड़ा है। जिस तरह का स्केच उस अमीर लड़के ने तैयार करवाया वो तो बहुत खौफनाक था, इस तरह से लोग पिनॉल भी को बुरा जानेंगे। अब वो जाकर पिक्चर मैक्स को भी दिखाता है तो मैक्स कहता है कि मुझे तो पहले ही रिग्रेट है कि मैंने के साथ बुरा किया और अब उसका ये एक्ट देखकर मेरा दिल दुख रहा है, अब मैं सारे बुरे काम छोड़ दूंगा। और अब वो पियानो सीखने लगता है, वो पियानो बजाया करता था और उसे याद किया करता था। दूसरी तरफ पिनॉल भी अपनी जिंदगी को काफी एंजॉय कर रही होती है और वो एक पार्क में जाती है जहाँ पर उसे एक लड़की मिलती है। वो उससे बातें करने लगती है और उन दोनों में काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। पिनॉल भी ने अभी तक अपना फेस कवर ही रखा हुआ था। अब ये दोनों फ्रेंड्स घूमने भी जाती, एक साथ वॉक भी करती, लेकिन अभी तक उसकी फ्रेंड को डाउट नहीं हुआ था कि वही बिग गर्ल है। तरह एक दिन ये लोग वॉक कर रही होती हैं कि पिनॉल्पी की मदर उसे देख लेती हैं। वो उसके पीछे जाने लगती हैं लेकिन पिनॉल्पी भागते भागते एक बार में आ जाती है क्योंकि वो घर वापस जाना नहीं चाहती थी। लेकिन बार में आते ही पिनॉल्पी बेहोश हो जाती है। जब उसकी दोस्त उसे होश दिलाने के लिए उसका मास्क हटाती है तो वो उसकी पिक जैसी नाक देख लेती है और उसे सब कुछ पता चल जाता है। और वहाँ पर पिनॉल्पी की मदर भी आ जाती है जो की उसे वापस घर ले आती है। लेकिन जब पिनॉल्पी की आँख खुलती है तो उसे बहुत सारे फ्लैशेस अपने मुँह पर पड़ते हुए फील होते हैं। वो जब उठ के बैठती है और विंडो से कपड़ा हटाती है तो उसे पता चलता है कि बाहर तो मीडिया वाले हैं और बहुत सारे लोग उसके बारे में जान चुके हैं। अब रिपोर्टर्स उसे क्वेश्चनिंग करने लगते हैं तो वो सब कुछ बताने लगती है। तो बाहर के लोग कहते हैं कि पिनॉल भी इतनी भी बुरी नहीं है, वो तो फ्रेंडली भी है और हम यही समझते थे कि ये रूड है, बहुत बदतमीज होगी और किलर भी होगी। अब पिनॉल की मदर को भी इस बात से कोई इशू नहीं था, बल्कि वो लोग खुश थे कि मीडिया और बाकी के लोग उन्हें पसंद कर रहे हैं। अब पिनॉल की मदर उसे पहली बार खुशी से इजाजत देती है कि जाओ अपनी फ्रेंड के साथ जहाँ मर्जी घूमो, और यहाँ पे पिनॉल भी खुशी खुशी अपनी दोस्त के साथ घूमने लगती है। अब पिनॉल भी काफी फेमस हो चुकी थी और सब लोग उसे पसंद भी करते थे। दूसरी तरफ हमें वही अमीर लड़का दिखाया जाता है जिसने पिनॉल भी का काफी खौफनाक और बुरा स्केच बनवाया था। जब लोग उसे पूछते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया तो वो कहता है क्योंकि तब मैं काफी डर गया था। अब क्योंकि वो बहुत फेमस हो चुकी थी तो अमीर लड़के के फादर उसे कहते हैं कि बेटा तुम्हें अब शादी तो इसी लड़की से करनी होगी। वो ऐसा इसलिए कर रहे थे क्योंकि वो इस सिटी के मेयर बनना चाहते थे और अगर उनका बेटा पिनॉल्पी से शादी कर लेता तो उन्हें पब्लिक की फेवर मिल जानी थी। वो अपने बेटे को बहुत फोर्स करते हैं लेकिन वो अमीर बच्चा मान नहीं रहा होता कि डैड मैं कैसे शादी कर सकता हूँ, लेकिन बाद में उसे अपने फादर के प्रेशर में आके शादी के लिए हाँ करना ही पड़ता है। फिर हम देखते हैं कि पिनॉल्पी बार में होती है और तभी वहाँ पर मैक्स आता है जो कि उसे कहता है कि एक बार मेरी बात तो सुन लो, तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है जिसे क्लियर करने मैं यहाँ पर आया हूँ। तो पिनॉल्पी कहती है नहीं मुझे कुछ नहीं सुनना, मैं अब अपनी जिंदगी में खुद
खुश हूँ। तुमने जिसको पिक्चर दिखानी थी तुमने दिखा ली ना, अब जाओ यहाँ से। वो उसकी कोई बात नहीं सुनती और चली जाती है। अब हम उसके घर का सीन देखते हैं, जब वो अमीर लड़का वापिस से उसके घर आता है और उसकी मदर से कहता है कि मैं पेनेलोपी से शादी करना चाहता हूँ। जिस पर उसकी मदर काफी खुश होती है कि फाइनली पेनेलोपी को कोई पसंद कर गया। उन्हें क्या पता था कि पेनेलोपी को तो अब सारी दुनिया पसंद करने वाली थी। वो अपनी बेटी को मनाती है, लेकिन पेनेलोपी कहती है कि पहले इसी ने हमारे साथ बहुत बुरा किया है। तो पेनेलोपी की मदर उसे समझाती है कि बेटा रिश्ता अच्छा है, हाँ कर दो। पेनेलोपी को हाँ करना ही पड़ता है। अब एक बहुत बड़ी पार्टी अरेंज होती है जिसमें पेनेलोपी की और उस अमीर लड़के की फैमिली होती है। वो एक फैमिली इवेंट होता है जिसमें मैरिज डेट फिक्स होनी होती है, लेकिन तभी वहाँ पर मैक्स आ जाता है, जो कि पेनेलोपी को समझाने आया था कि ये अमीर लड़का बहुत मतलबी है और सिर्फ तुमसे मतलब के लिए शादी की जा रही है। लेकिन उससे पहले ही वही अमीर लड़का उसके सामने आ जाता है और कहता है कि नहीं, मैं तो पेनेलोपी से प्यार करता हूँ, अगर मैंने उससे शादी ना की तो उससे कोई और भी शादी नहीं करेगा। अब वहाँ पर मैक्स कुछ नहीं बोल पाता और चला जाता है। वो पेनेलोपी को बताना चाहता था कि वो उसे कितना प्यार करता है। पहले वो उसका फेस देख के कंफ्यूज जरूर हुआ था, लेकिन वो ऐसा नहीं कि उसका स्टैंडर्ड ब्यूटी हो। अब वो एक आंख वाला रिपोर्टर वहाँ पर आता है। वो मैक्स से कहता है कि मैं जानता हूँ तुम पेनेलोपी से सच्चा प्यार करते हो, जबकि वो अमीर लड़का ऐसा नहीं करता। तो मैक्स कहता है जाने दो यार, वो कौन सा मुझसे प्यार करती है, मेरे प्यार करने से क्या होगा, कर्ज तो उसका फिर भी नहीं टूटेगा, क्योंकि उसे लगता है कि मैं उसके लिए राइट इंसान नहीं। तो वो रिपोर्टर कहता है कि तुम फिक्र नहीं करो, मैं दुनिया को सच बताऊंगा और पेनेलोपी के दिल में तुम्हारी इज्जत दोबारा से वापस लाऊंगा। अब वो रिपोर्टर वहाँ पर जाता है जहाँ पर इवेंट हो रहा होता है और पेनेलोपी की मदर से मिलता है और उनको बताता है कि एक लड़का है जो कि आपकी बेटी से सच्चा प्यार करता है और वो उस दिन शादी करने से इसलिए मना कर रहा था कि हो सकता है कि ये वन साइडेड लव कर्ज को तोड़ने के लिए काफी ना हो। लेकिन पेनेलोपी की मदर कहती है कि नहीं, अब तो उनकी शादी होने वाली है, मैं ऐसा नहीं कर सकती जिससे मेरी बेटी हर्ट हो। लेकिन किसी को क्या पता था, बेटी तो खुश थी कब। अब शादी शुरू हो चुकी होती है, सब तैयारियां पूरी होती हैं और पेनेलोपी ने भी वेडिंग ड्रेस पहन लिया होता है, लेकिन वो इवेंट शुरू होने से पहले ही वहाँ से भाग जाती है। वो कहती है कि नहीं, मैं ऐसे किसी से शादी नहीं कर सकती जिससे मैं प्यार ही ना करती हूँ, उसने पहले मुझे रिजेक्ट किया था और मैं जानती हूँ कि उसका कोई मतलब होगा, मैं अकेले लाइफ गुजार लूंगी और मुझे किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना, मैं जैसी भी हूँ मैं खुद को पसंद हूँ, ये मेरी कमी नहीं है बल्कि यही तो चीज है जिससे मैं यूनिक हूँ। इसी के साथ वो बेहोश हो जाती है और जब उसे होश आता है तो वो देखती है कि उसकी नोज पहले जैसी नहीं रही, उसकी नोज अब एक नॉर्मल इंसान जैसी होती है, बहुत ही प्यारी, अब वो बहुत प्यारी दिखने लगी थी। यहाँ पर फाइनली ये कर्ज खत्म हो चुका था, क्योंकि इस कर्ज की यही तो शर्त थी कि जब तक कोई इसे एक्सेप्ट नहीं करेगा वो ठीक नहीं होगी, और फिर चाहे वो खुद ही हो जो खुद को एक्सेप्ट कर ले। कर्ज खत्म होने की वजह से पेनेलोपी अब एक नॉर्मल इंसान बन चुकी थी, अब वो और भी ज्यादा खूबसूरत दिखती थी और हमें पता चलता है कि उस घर में जो बटलर होता है वो इनफैक्ट विच ही थी, जो कि 25 साल से वहीं पर रह रही थी और सब कुछ ऑब्जर्व कर रही थी। फिर हम देखते हैं कि पेनेलोपी एक स्कूल में जॉब करने लगती है और वहाँ पे बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ाती है। तभी एक हेलोवीन नाइट पर उसे ख्याल आता है कि काश वो एक बार मैक्स की बात सुन लेती। वो मैक्स से मिलने जाती है तो वहाँ पर कोई इवेंट हो रहा होता है जहाँ पर सब बच्चों ने फेस मास्क पहना होता है, जो कि बिल्कुल पेनेलोपी की शक्ल से मिलता जुलता था जो कि उसकी पहले शक्ल होती थी। यानी सब बच्चे पेनेलोपी के पहले रुख को भी पसंद करते थे और अब भी। पेनेलोपी भी एक मास्क पहन लेती है और मैक्स से मिलने जाती है। मैक्स से जाकर बातें करने लगती है और साथ ही अपना फेस मास्क उतार देती है। मैक्स उसे बताता है कि मैं वो इंसान नहीं था जो कि तुम्हारा कर्ज तोड़ सकता। तो पेनेलोपी उसे बताती है कि वो इंसान मैं खुद थी और अब मैं कर्ज से फ्री हूँ, देखो मैं ठीक हूँ और थैंक यू मुझसे प्यार करने के लिए, जब किसी ने मुझसे प्यार नहीं किया। और इसी के साथ वो दोनों एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लेते हैं और काफी खुश रहने लगते हैं। फिर हम देखते हैं कि ये मूवी यानी ये स्टोरी जो हम देखते आ रहे हैं वो ये दोनों स्कूल के बच्चों को सुना रहे थे। और इसी सीन के साथ ये मूवी यही एंड होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।